नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 दिन का सूरज डूब चुका था, अंधेरे ने दस्तक दे दी थी। भोपाल में कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। रात को करीब 12 बजे थे, अचानक कुछ वर्करों की आंखें जलने लगती है। उन्हें लगा जैसे शायद कोई गैस में लीक हो रही है। सब लोगों ने चेक करना शुरू किया कि गैस कहां से लीक हो रही है। तभी एक वर्कर ने देखा कि एक जगह से लिक्विड टपक रहा है, उसके साथ साथ येलो कलर का गैस भी लीक हो रहा है। उसके बाद कुछ वर्करों ने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर को लगा कि पानी टपक रहा है, क्योंकि इतने बड़े फैक्ट्री में कहीं न कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इसको ज्यादा सीरियस न लेते हुए सभी वर्कर चाय पीने चले गए। उसके बाद रात को करीब 12:45 पर जब आते हैं तो देखते हैं गैस फैक्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में फैल चुकी है और आंखों में जलन भी ज्यादा होने लगती है। ये जलन ऐसा था कि जैसे कोई आग में मिर्ची डाल देता है। जलन के साथ साथ स्मेल और खांसी भी हो रही थी। अगले 2 घंटे में ये गैस हवा के जरिए भोपाल शहर की तरफ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है, घर में घुसने लगती है, जबकि ये बहुत खतरनाक जहरीली गैस थी। अगले 2 हफ्तों में हजारों लोग मारे जाते हैं इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में। भोपाल गैस ट्रेजेडी को दुनिया की वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में माना जाता है। असल में इस एक्सीडेंट में किसकी गलती है, वहाँ काम कर रहे वर्कर की या फिर कंपनी की या फिर सरकार की? दोस्तों आइए समझते हैं बहुत बारीकी से इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आज के इस वीडियो में। Consequences have been catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. दोस्तों भोपाल के जिस फैक्ट्री में डिजास्टर हुआ था उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की केमिकल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं सुने होंगे तो आपको बता दूं इसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में। यह कंपनी बैकेलाइट और बैटरी बनाती है। ये कंपनी बैटरी के अलावा कीटनाशक और रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। दुनिया के कई देशों में भी इसकी कंपनी फैली हुई है और केमिकल्स बनाती है। 1994 में इस कंपनी का नाम बदलकर एवर रेडी इंडस्ट्री कर दिया गया। ये एक ऐसा नाम है, शायद ये नाम आप जानते होंगे। इंडिया में इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL के नाम से बोला जाता है। 1969 में इस कंपनी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्लांट खोला कृषि कीटनाशक केमिकल्स बनाने के लिए, जिसका नाम था सेविन। कीटनाशक सेविन को मिथाइल आइसोनाइट यानी MIC के साथ अल्फा नेप्टोल को मिलाकर बनाया जाता था। जब नई फैक्ट्री पहली बार खुली तो MIC को US से आयात किया जा रहा था सेविन को बनाने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं MIC एक बहुत ही खतरनाक केमिकल्स है। 1980 में UCIL के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था, जब सभी चीजों में बदलाव होने लगी। बहुत सी कंपनी इसके जवाब में सेविन जैसे प्रोडक्ट कम दामों में मार्केट में लाने शुरू कर दिए, जिसके कारण कंपनी लॉस में होने लगी। पैसों की कमी के वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC को इम्पोर्ट करने की जगह इंडिया में ही इसे बनाने का डिसाइड किया, जो एक पहली खतरे की घंटी थी, क्योंकि केमिकल्स को बनाना या फिर इसे मिक्स करना बिल्कुल सेफ नहीं होता है। इस कंपनी की पहली घटना इसके कुछ सालों बाद ही 1981 में भोपाल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंसंस की रचना ढिंगारा ने कहा कि कंपनी में एक कर्मचारी की मौत हो गई है MIC के संपर्क में आने के कारण। जस्ट उसके अगले एक साल बाद इस कंपनी में एक और घटना होती है। 1982 में प्लांट की अल्फा नेप्टोल इकाई में एक बहुत बड़ी आग लग गई। इसके बाद भी इस कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और कंपनी ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका एक्शन नहीं लिया, बहुत से जर्नलिस्ट ने एक्शन भी लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, कंपनी ऐसे ही चलती रही। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कंपनी को लॉस होने की वजह से इग्नोर किया जाने लगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की मैन्युफैक्चर इस कंपनी में होने लगी थी। इस प्लांट के अंदर MIC को 3 लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता था। इन तीनों टैंकों के नाम थे E610,
E611, E619 ये तीनों टैंक नीचे जमीन में बनाए गए थे। इन तीनों टैंकों में से दो टैंकों में एमआई से 60% और 40% नाइट्रोजन भरा जाता था। इसमें से एक टैंक खाली छोड़ा जाता था इमरजेंसी के लिए। दोस्तों इन टैंकों में सेफ्टी के लिए 60% एमआई से भरा जाता था और इसके अलावा जो 40% नाइट्रोजन भरा जाता था ताकि एमआई से अपनी जगह पर स्थित रहे, क्योंकि पता है दोस्तों एमआई से प्लस वाटर दोनों को मिलाने पर एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है और जहरीली गैस बनने लगती है। एमआई से अगर हवा के साथ भी संपर्क में आ जाता है तब भी जहरीली गैस बनने लगती है, लेकिन उस दिन दो टैंकों में 85% से भी ज्यादा एमआईसी भर दिया जाता है जो कि एक लिमिट से भी ज्यादा था। इसके अलावा जो तीसरा खाली टैंक था इमरजेंसी के लिए उसमें भी करीब 50% एमआईसी भर दिया जाता है। पैसे बचाने के लिए इन टैंकों में लिमिट से भी ज्यादा एमआईसी को स्टोर किया गया था। वहाँ के वर्करों का काम था कि बहुत ही सावधानी से एमआईसी को निकाल कर सेविन बनाना था। इसके अलावा रेगुलर चेक भी किया जाता था और एमआईसी निकालने के बाद पाइप को अच्छी तरह से वॉश भी किया जाता था। उस दिन का संजोग देखिए, E610 नंबर के टैंक का एमआईसी लेवल इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, जिससे एमआईसी का लेवल पता चलता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए एक अलार्म भी लगाया गया था जिससे टेम्परेचर हाई होने के बाद बचता था। संजोग देखिए, ये भी एक साल पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा E610 में एक ऐसी भी पाइप लगी थी जो इस पाइप से होकर जहरीली गैस एक वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी जो जहरीली गैसों को जला देती थी। लेकिन उस दिन गलती से उस स्क्रबर को स्विच ऑफ कर रखा था। वह स्क्रबर तभी काम करता जब वहां कोई वर्कर जाकर उसे स्विच ऑन करता। फिर भी इन सब के अलावा तीनों टैंकों में प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ था, लेकिन जो 610 टैंक था उसका प्रेशर कंट्रोल वाल्व पहले से ही खराब हो चुका था और उसको रिपेयर भी नहीं किया गया था कंपनी को पैसे बचाने के लिए। इन सब के अलावा यूनियन कार्बाइड अक्टूबर 1984 में एमआईसी को बनाना बंद कर चुका था। जो टैंकों में स्टोर किया गया था उसी का यूज सेविन बनाने में किया जा रहा था। उस प्लांट में दो अलार्म भी लगाए गए थे। एक अलार्म था फैक्ट्री के वर्कर के लिए, दूसरा अलार्म जो तेज बजता था वह फैक्ट्री से बाहर रहने वाले लोगों के लिए लगाया गया था। लेकिन खुशकिस्मत देखिए, ये दूसरा अलार्म भी बंद था। ऐसे ही तमाम गलतियों की वजह से ये डिजास्टर तो होना लगभग तय ही था। 2 दिसंबर 1984 के दिन काली गहराती रात भोपाल को अपने आगोश में ले रही थी। लोग चैन की नींद से सो रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि उसके खूबसूरत शहर पर एक खतरनाक साए का दस्तक पड़ चुका था। भोपाल की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में पिछले 36 दिनों से एमआईसी का प्रोडक्शन बंद था, लेकिन रोजमर्रा का काम जारी था। उस रात करीब 9 बजे थे, वर्कर ने अपना शिफ्ट चेंज किया। रोज की तरह फैक्ट्री के पाइपों को साफ करने के लिए उसमें पानी छोड़ा गया। ये वो पाइप थे जो सीधे टैंक नंबर 610 में सीधे जुड़े हुए थे। ये काम बेहद सावधानी से किया जाता था क्योंकि इस टैंक में लगभग 42 टन एमआईसी भरी हुई थी। मेंटेनेंस ना होने की वजह से पाइप में लगे सेफ्टी वाल्व खराब हो चुके थे, लेकिन उस दिन जैसे उस पाइप में पानी छोड़ा गया साफ करने के लिए, पाइप में लगे सेफ्टी वाल्व खराब होने की वजह से पानी धीरे धीरे टैंक नंबर 610 में जाने लगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमआईसी और वाटर के मिलने से जहरीली गैस बनती है। पानी की टैंक में जाने की वजह से जहरीली गैस बनना स्टार्ट हो गया था। रात को करीब 11:30 बजे थे, टैंक नंबर 610 में हलचल मचना शुरू हो गया था। टैंक का तापमान अचानक बढ़ता जा रहा था, लेकिन टेम्परेचर बताने वाले इंडिकेटर तो पहले से ही खराब पड़े थे। यहाँ तक कि खर्चा बचाने के नाम पर टैंक नंबर 610 का कूलिंग सिस्टम भी बंद कर दिया गया था। लगभग 11:45 पर कंट्रोल रूम में पहली बार तीखी बदबू और जलन का एहसास हुआ। ये मौत की पहली घंटी थी। जब नाइट शिफ्ट के वर्कर को एहसास हुआ तो वहाँ पर गए, उनकी आंखें जलने लगी और बदबू आ रही थी। उन्हें लगा कहीं से कुछ लीक हो रहा है। सभी वर्कर्स ने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया कि कहां से गैस जैसा स्मेल लीक हो रही है। इसमें से एक वर्कर थे मिस्टर सुमन देव, उन्होंने एक जगह से लिक्विड को लीक होते हुए देखा और सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दी।
सुपरवाइजर ने इस लीकेज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। एक घंटे में एग्जैक्टली क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ के वर्करों ने इस लीक को इग्नोर किया और रोज की तरह इसी बीच टी ब्रेक करने चले गए। टी ब्रेक के बाद जब वर्कर आए तो 12:40 पर एक कर्मचारी ने रिसाव की जांच करते समय इन तीनों टैंकों के बीच खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि जमीन में कुछ कंपन जैसा लग रहा है। यह ऐसा इसलिए हो रहा था कि टैंकों में प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे जमीन से दरार जैसी लगने लगी थी। सुमन वहां से भागे अलार्म बजाने के लिए। इसी बीच टैंक नंबर 610 से गैस बड़ी तेजी से निकलने लगता है। देखते ही देखते ये गैस सफेद बादल बनकर प्लांट के आसपास बढ़ने लगता है, जहां हजारों निवासी रात में समय सो रहे थे। रात को करीब 1 प्लांट के सारे लोगों ने महसूस कर लिया था कि ये सिचुएशन आप कंट्रोल हो चुका है। इस बीच फैक्ट्री के लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया। इस बीच भोपाल शहर में हालात बहुत खतरनाक थी। गैस धीरे धीरे शहर के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाती है और गैस ने भोपाल को नींद से जगा दिया था। हर तरफ लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे, उनकी आंखें जल रही थी, खांसी और उल्टी से दम घूट रहा था। जब फेफड़े ही साथ ना दे रहे हो तो इंसान सांस भी ले तो कैसे। उस रात जिंदा इंसान जानवरों की तरह तड़प रहे थे। सड़कों पर भागो भागो जैसे यही शोर सुनाई दे रहा था। सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उस रात भोपाल को पता चल गया था कि मौत से दूर भागना इतना भी आसान नहीं है। उस रात भोपाल कोई शहर नहीं बल्कि शमशान और कब्रिस्तान जैसा दिख रहा था। रात को करीब 1:30 भोपाल के 1200 बिस्तर वाले हमीदिया अस्पताल में आंखों की परेशानी का पहला मरीज सामने आया। इसके 5 के भीतर ही लगभग 1000 मरीज से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ये कौन सी बीमारी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था वहाँ पर कौन सी गैस लीक हुई है। इसमें से कुछ मरीजों का दम घुट रहा था, तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन दिया, लेकिन MIC के साथ ऑक्सीजन और खतरनाक हो गया। इसमें से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। बस ऐसा लग रहा था कि रात को जैसे खुद मौत ने भोपाल को जाल बुन कर आया हुआ था। एक ही रात में करीब 50,000 से ज्यादा लोग भोपाल के हामिदिया अस्पताल में पहुंच गए थे। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर वो कैसे और कितने लोगों का इलाज करे। यहाँ तक कि यूनियन कार्बाइड के डॉक्टरों को भी मिथेल आइसोनाइट से बचाव का कोई तरीका मालूम नहीं था। उस रात जहरीली गैस ने किसी को नहीं छोड़ा था। क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सभी मरीज एक के बाद एक दम तोड़ रहे थे। एक ही रात में हजारों लोगों ने कीड़े मकोड़ों की तरह दम तोड़ दिया। लाशों का ना तो कोई नाम था और ना ही कोई पता। हर लाश को कुछ मिला था तो वह बस एक नंबर, वो भी मौत का नंबर। इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाता है। जैसे तैसे वो रात गुजर गई, लेकिन सुबह का सूरज बेहद भयानक था। आसमान में जहरीली गैस के बादल मिट चुके थे और अब उसकी जगह ले ली थी चिताओं से उठने वाले धुएं ने। लेकिन मौत का हुक्मरान अब भी साजिश रच रहे थे। मौत के आंकड़े को कम से कम बताया जा रहा था। सरकार ने बहुत बाद में जाकर माना कि उस रात गैस हादसे में 3787 लोग मारे गए थे, लेकिन इस दावे पर भी कभी किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों का मानना था कि उस रात करीब 15,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके कुछ दिन बाद औपचारिक बयान जारी किए गए कि वहाँ पर हवा, पानी, वनस्पति और खाद्य पदार्थ सुरक्षित है, लेकिन मछली का सेवन न करने की चेतावनी दी गई। गैस के संपर्क में आने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 2,00,000 थी। हफ्तों के भीतर राज्य सरकार ने पीड़ित के इलाज के लिए गैस प्रभावित क्षेत्रों में कई अस्पताल और क्लिनिक की स्थापना की। इस घटना के बाद भोपाल गुस्से की आग में जल रहा था। भोपाल कैसे अपने कातिल को माफ कर देता, वो कातिल जिसका इंतजार अब भोपाल को था। 7 दिसंबर 1984 को वारेन एंडरसन, जो कि उस समय यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे, घटना के 4 बाद वो खुद चलकर भोपाल आए थे और इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 6 बाद ही एंडरसन को छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, एंडरसन को मध्य प्रदेश सरकार के विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया। एंडरसन पर यह मेहरबानी किसने की थी, ये फैसला किसका था, इस सवाल का जवाब आज तक सिर्फ बयानों में उलझा हुआ है। कहा जाता है कि कंपनी के चेयरमैन ने सरकार को करीब 47 करोड़ रुपए दिया था मामले को दबाने के लिए। वैसे देखा जाए तो एंडरसन को गिरफ्तार करके वापस हिंदुस्तान लाने की कभी सही तरीके से कोशिश ही नहीं की गई थी।
यहाँ तक कि गैस कांड के जो जिम्मेदार हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें भी बहुत सस्ते में छोड़ दिया गया। सोचिए 15,000 मौतों के बदले दी गई तो सिर्फ 2 साल की सजा। एंडरसन फरार है तो बाकी आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। आखिर इससे इंसाफ कैसे कह सकते हैं? इस हादसे से पहले ही एक पत्रकार ने अखबार में छपी अपनी रिपोर्ट के जरिए बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। यूनियन कार्बाइड की वजह से भोपाल एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। उन्होंने इस मसले पर अर्जुन सिंह की तत्कालीन सरकार को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। पहले चेतावनी की अनदेखी, फिर लापरवाही, फिर हादसा, फिर 1,000 मौतें, फिर थोड़ा सा मुआवजा। 28 साल लंबी न्याय प्रक्रिया और उसके बाद कातिले को बख्श देना। 2 दिसंबर 1984 की उस काली रात के बाद से आज तक भोपाल इंसाफ के लिए तरस रहा है। धोखा जैसे भोपाल की किस्मत का हिस्सा बन गया है। पहले धोखा से गैसों ने हजारों को जान ले ली, फिर धोखे से आरोपियों को बख्श दिया गया और फिर धोखे से मुआवजे के नाम पर भीख बांट दी गई। तभी तो गैस कांड के शिकार आज भी मौत से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। भोपाल गैस कांड ने अगली पीढ़ी के जिस्म में भी जहर घोल दिया था, क्योंकि इसके वजह से गैस पीड़ितों की संतानें विकलांग पैदा हो रही थी। इतने वक्त में गहरे से गहरा जख्म भर जाता है, लेकिन भोपाल का जख्म आज भी हरा है। उस काली रात को ना तो भोपाल कभी भूल पाएगा, ना तो कभी भूला है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।